फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को कक्षा 10 के हिंदी का संपूर्ण किताब का 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं, जो आपकी 2024 में जो होने वाला बोर्ड की परीक्षा है उसमें 100% फ्रेंड्स यही सब सवाल आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप वीडियो के 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों का आप एक प्रॉपर नोट बना लीजिए फ्रेंड्स, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम देने जाए तो इन प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, देखिए आपका पहला नंबर का सवाल है, रस मीमांसा के लेखक हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न करना होगा तो आप ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ के ही उसका आंसर आप टिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे है आपका कि रस मीमांसा के लेखक हैं, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, देखिए रस मीमांसा के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है कि साहित्य और कला रचना है। फ्रेंड्स, साहित्य और कला रचना है तो ऑप्शन पढ़िए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है या सुमित्रा नंद पंत की है, भगवत शरण उपाध्याय की है या जयप्रकाश भारती की है। तो फ्रेंड्स, देखिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा भगवत शरण उपाध्याय, इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने सवाल है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो पंच परमेश्वर है इस कहानी के लेखक आपको बताना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद्र, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो फ्रेंड्स, पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र है, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको एक जगह प्रॉपर नोट्स बना के लिख लीजिए फ्रेंड्स, बार बार इन प्रश्नों को बता रहे हैं। ठीक है, यह पिछले साल के पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। देखिए चौथा नंबर का सवाल क्या है आपका, कंकाल के लेखक हैं। देखिए VBI प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंकाल बार बार आपके पेपर में पूछता रहता है फ्रेंड्स कि कंकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी या निराला या रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि कंकाल के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल देखिए क्या है, पांचवा नंबर का, कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको विधा बताना है फ्रेंड्स कि जो भारत दुर्दशा है किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कि एक जीवनी होगी, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या एकांकी है। तो फ्रेंड्स, देखिए भारत दुर्दशा जो है एक एकांकी है, कौन सा है फ्रेंड्स, एकांकी है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का छठवां नंबर का सवाल क्या है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन है आपका जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ सेवा सदन है ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, आप सभी को पता होगा कितने फेमस ये कवि हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड, सातवां नंबर का क्या है, लहरों के राजहंस के लेखक है। ऑप्शन आपका है धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र प्रसाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लहरों के जो राजवंश के लेखक हैं वो मोहन राकेश, कौन है फ्रेंड्स, मोहन राकेश। ठीक है, इन प्रश्नों को फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसीलिए आप लिख के बता रहे हैं आप सभी को। ठीक है, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आठवां नंबर का क्या है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हंस है इस पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र जी है, जयशंकर प्रसाद या निराला या महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स, हंस पत्रिका के जो संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र जी है, इसका सही जवाब अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, नौवां नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा आप, रीतिकालीन कवि कौन है, यानी रीतिकालीन रीतिकाल के समय में कौन से कवि हैं। ऑप्शन है केदार भट्ट जी हैं,
जायसी, पद्माकर या किशोरदास। तो फ्रेंड देखिए रीतिकालीन जो कवि है पद्माकर जी हैं, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। फ्रेंड दसवां नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे दसवां नंबर का क्या सवाल आपका है कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो महादेवी वर्मा जी हैं ये प्रगतिवादी युग की कवि कवित्री हैं, या द्विवेदी युग की, क्षयवादी युग की, या प्रयोगवादी युग की। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो महादेवी वर्मा जी हैं ये क्षयवादी युग की कवित्री हैं, जिसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, ग्यारहवां नंबर का क्या है, आगम के पार द्वार इसकी रचना मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, अज्ञे द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, या नरेंद्र शर्मा द्वारा। तो फ्रेंड देखिए आगन के पार जो द्वार है इसके जो रचयिता हैं वो अज्ञे जी हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बारहवें नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने। बारहवां नंबर का सवाल क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। देखिए फ्रेंड जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, चाहे व्याकरण को हो चाहे आपके किताब का हो, सभी प्रश्नों को यहाँ पे आपको संपूर्ण हल कराने वाले हैं, तो वीडियो का आप जरूर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें पूछा है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन है रूपक होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या अनुप्रास होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या किया गया है, एक दूसरे से उपमा किया गया है ना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, तेरहवां नंबर का वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है चार होगा, दो, तीन, एक। देखिए फ्रेंड्स एक आपसे सोरठा पूछता है, एक आपसे पूछता है रोला, एक तो सोरठा हो गया, एक रोला याद रखिएगा फ्रेंड्स। इन दोनों चाहे सोरठा पूछेगा चाहे रोला पूछेगा, दोनों में कितने चरण होते हैं, चार चरण याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका। चौदहवां नंबर का सवाल क्या है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आपका। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कोई शब्द होता है उसके प्रारंभ में जो शब्द जुड़ा होता है फ्रेंड्स वही उपसर्ग होता है। जैसे पर्यावरण है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधन आवरण, क्या होता है, परिधन आवरण होता है। देखिए इसके स्टार्टिंग क्या जुड़ा है, परि, इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो परि, यानी कि जो उपसर्ग का मतलब होता है जैसे आपका कोई शब्द उसके प्रारंभ में जो शब्द जुड़ा होता है वही उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल देखिए, पंद्रहवां नंबर का, यहाँ पूछा प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है चार होगा, पांच होगा, तीन होगा, या दो होगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रत्यय के टोटल दो भेद है, कितने भेद हैं, दो भेद हैं। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। सोलहवां नंबर का आपका क्या सवाल है कि सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। सनसनाहट, देखिए प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, किसी शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ा होता है वही क्या होता है, प्रत्यय होता है। देखिए सनसनाहट में देखेंगे तो आहट लास्ट में जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आहट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आहट। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। सत्रहवां नंबर का सवाल क्या आपका है, समाज के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है पांच, तीन, छह, या चार। तो फ्रेंड देखिए यहाँ समाज के टोटल जो होते हैं टोटल छह भेद होते हैं, इसे याद रखिएगा कि समाज के टोटल कितने भेद हैं, छह भेद, जिसमें आप पढ़े होंगे तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इस तरह पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, यही इसके क्या होते हैं, टोटल छह भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अठारहवां नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका है तिरंगा। तिरंगा में पूछ रहा है कौन सा समास होगा, ऑप्शन है द्वंद होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय या तत्पुरुष। देखिए फिर तिरंगा का इस तरह करेंगे तो ये होता है तीन रंगों का समूह, क्या होता है, तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह। ठीक है, समूह, यहाँ पे तीन देखिए एक संख्या है ना, जब किसी भी शब्द के अंत में संख्या आता है तो हमेशा आप याद रखिएगा फ्रेंड्स वो द्विगु समास होता है, कौन सा, द्विगु समास। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह चौराहा पूछेगा कौन सा समास है, तो बताइएगा द्विगु समास। ठीक है, तो आप याद रखिएगा किसी समास जो समास होता है उसके प्रारंभ में कोई संख्या होता है तो वो कौन सा समूह, कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है,
चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आप। अगला नंबर का सवाल क्या, 19वां नंबर का, कि सूरज का तत्सम होगा। देखिए फ्रेंड्स, तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप। तत्सम का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप। देखिए फिर सूरज को आप सभी को पता है क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, सूर्य। सूरज का जो शुद्ध रूप होता है सूर्य होता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला नंबर का 20वां नंबर का क्या है, मछली का पर्यायवाची है। ऑप्शन है द्युज होगा, मीन होगा, रसना होगा या मूढ़ होगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो मछली का पर्यायवाची होता है वो मीन होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बोर्ड के परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 21 नंबर का सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3, 4, 2, 5। तो फ्रेंड्स यहाँ याद रखिएगा, संधि के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। इनका नाम बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है आपका विसर्ग संधि। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा कि संधि के कितने भेद हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका 22वां नंबर का सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। इत्यादि में संधि है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इति धन आदि होता है। क्या होता है, इति धन आदि। इस तरह संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि होगा। इसमें पूछ रहे कौन सी संधि होगा, तो ऑप्शन है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या आयादि संधि। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कौन सा संधि होगा, यण संधि होता है। इसका सही जवाब अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 23वां नंबर का सवाल क्या है आपका, कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होता है। ऑप्शन है फलम होगा, फले, फलेन, फले। फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों का आप जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्रेंड्स जितने प्रश्न बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि इसका एक नोट्स बना के एक जगह लिख लीजिएगा। देखिए, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होता है। देखिए, तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप जो होता है फले होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 24वां नंबर का क्या है फ्रेंड्स, कि पठताम धातु का पुरुष एवं वचन है। ऑप्शन है एक वचन प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन, द्विवचन मध्यम पुरुष या एक वचन उत्तम पुरुष। देखिए, पठताम में पूछा है ना, तो पठताम धातु का पुरुष वचन बताना है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन होता है। कौन सा, इसमें कि प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह याद होगा, पठेत, पठता, 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 पठंती, पठसी, इस तरह होता है ना, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। 25वां नंबर का देखते हैं फ्रेंड्स। 25वां नंबर का सवाल क्या है, दो वर्णों के मेल के विकार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन संधि कहेंगे, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 26वां नंबर का सवाल क्या है आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका 26 नंबर का सवाल क्या है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन है शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के या भारतेंदु युग के। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। यहाँ से देखिए, इनके नाम से ही आप पता कर सकते हैं किस युग के है? शुक्ल लिखा है ना, इसका मतलब वह शुक्ल युग के हो गए। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 27वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है, चिंतामणि के रचयिता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बार पेपर में पूछता है चिंतामणि। ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या प्रेमचंद्र। तो फ्रेंड देखिए, चिंतामणि के जो रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स, 28वां नंबर का आपका क्या है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है कि जो इंदुमती है इस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी या लाल भगवान दीन। तो फ्रेंड देखिए, इंदुमती जो है, इंदुमती कहानी के जो लेखक है फ्रेंड, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब फ्रेंड देखिए, 29 नंबर का कौन सा है सवाल आपका, कि नमक का दरोगा, VVI प्रश्न कर लीजिए फ्रेंड्स। नमक का दरोगा आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, कि नमक का दरोगा की कहानी की कहानीकारक कौन है। देखिए ऑप्शन है जनेंद्र कुमार जी हैं, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो नमक का दरोगा आप सभी को पता है किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखिए तीसवा नंबर का सवाल, ये भी वीवीआई प्रश्न कर लीजिए आप, कई बार रिपीट हुआ है। गबन की विधा है, यानी गबन किसकी विधा है? ऑप्शन ए एक नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो फ्रेंड जो गबन है एक प्रकार का उपन्यास है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, 31 नंबर का क्या है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपका प्रेमचंद्र जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पूछा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, तो फ्रेंड इसका सही जवाब आपका होगा जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स 32वां नंबर का सवाल, ये भी आप वीवीआई प्रश्न कर लीजिए, कई बार आपके बोर्ड की एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्या है सवाल? क्या भूलूं कि याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आपका आत्मकथा, कहानी, नाटक या एकांकी। तो फ्रेंड्स क्या भूलूं कि याद करूं जो विधा है आपकी एक आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 33 नंबर का सवाल क्या है, ये भी वीवीआई कीजिए फ्रेंड्स। देखिए अब जितने भी वीवीआई जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है फ्रेंड्स? धर्मवीर भारती की है, अज्ञेय की है, या जैनेन्द्र कुमार या अमृत राय। तो कलम का सिपाही जो है फ्रेंड्स किसकी कृति है? तो अमृत राय की है, इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स 34 नंबर का क्या है आपका कि कलम का सिपाही किस विधा, कौन सी विधा है? संस्मरण है, रेखा चित्रण, जीवनी है या आत्मकथा? तो देखिए कलम का सिपाही जो है फ्रेंड्स वो एक जीवनी है, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले नंबर का सवाल, 35 नंबर का क्या है आपका कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है कवि वचन सुधा है, उदंत पत्रिका है, समझदारी है या हरिश्चंद्र पत्रिका है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है वो उदंत पत्रिका है, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा कि उदंत पत्रिका प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है। आपके सामने ये 36वां नंबर का सवाल है, देखिए क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? फ्रेंड देखिए आपके पेपर में दो प्रश्न बार बार पूछता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। एक शोक पूछता है, एक हास्य रस पूछता है, ठीक है। ये दो रस को तो आप याद रखिएगा, शोक रस का स्थायी भाव फ्रेंड्स जो होता है आपका दुख होता है, ठीक है। और यहाँ पे हास्य क्या हो जाता है, हास का हास्य रस का होता है हास, ठीक है, इसे याद रखिएगा। हास्य रस के क्या हो जाते हैं यहाँ पे, हास। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स शोक रस का पूछेगा या करुण रस पूछे, ये कौन सा होगा, शोक या दुख, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, 37 नंबर का, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो अलंकार का मतलब होता है आभूषण होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, आभूषण। देखिए ऑप्शन क्या, पर ऑप्शन ध्यान देखिए, आभूषण होगा, आकर्षण होगा, सौंदर्य होगा या प्रकृति होगा। तो फ्रेंड्स अलंकार का मतलब होता है आभूषण, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने, अगला नंबर का है कि चरण कमल बंधु हरि राय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए चरण कमल बंधु हरि राय में आप याद रखिए कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 39वां नंबर का सवाल क्या है, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है गति होगा, यति होगा, तुक होगा या गढ़ होगा। तो फ्रेंड्स छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को फ्रेंड्स यति कहते हैं, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स छंद के बारे में दो प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, एक तो सोरठा को याद रखिएगा, सोरठा, एक याद रखिएगा रोला, ठीक है। इसमें आप पूछता है कि कितने चरण होते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा टोटल कितने चरण होते हैं, सोरठा में पूछे तो चार चरण, रोला में पूछे तो चार चरण, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, 40वां नंबर का सवाल क्या आपका है, अधिग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको बताए थे उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ना, यानी कोई शब्द किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे अधिग्रह में अधि क्या जुड़ा है, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अधि होगा और प्लस ग्रहण होगा, क्या होगा, ग्रहण। तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या जुड़ा, अधि जुड़ा है ना, यही क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, 41 नंबर का,
कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ भी देखिए आपको उपसर्ग बताना है, तभी बताएं यहाँ क्या जुड़ा है। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, अनु प्लस ग्रह होगा, क्या होगा अनु प्लस ग्रह, यहाँ क्या जुड़ा है आपका अनुनत। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल देखिए, 42वां नंबर का सवाल क्या आपका है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में जुड़ता है ना, किसी शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे महानता का होगा महान प्लस ता, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महान प्लस ता, इस तरह होता है ना। यहाँ ता जुड़ा है ना, यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स आपका 43 नंबर का क्या है, यहाँ भी देखिए भलाई शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का आप पहले ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ई दिया है, आई दिया है, फिर इसके बाद ओ दिया है या भ दिया है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे भलाई में आपका क्या जुड़ा, ई जुड़ा है ना, बड़ी ई, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल 44वां नंबर का क्या है कि हानि और लाभ में समास है। ऑप्शन है द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या बहुव्रीहि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जब हानि लाभ लिखा है उसके बीच में इस तरह डैश दिया है ना, जब ये शब्द डैश मिले तो हमेशा आप याद रखिए कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कौन सा द्वंद्व। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखिए 45 नंबर का क्या है कि पंचवटी में कौन सा समास है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये पंचवटी का मतलब होता है पांच वटों का समूह, क्या होता है पांच वटों का समूह देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी पहले क्या रहा आपका संख्या रहा ना, पांच एक संख्या है, जैसे ही संख्या आएगा तो कौन सा समास होता है आपको, तो अभी बताया जाए द्विगु समास, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। देखिए आप अगला नंबर का क्या है, 46 नंबर का, खीर का तत्सम रूप क्या होगा फ्रेंड। देखिए खीर का तत्सम रूप आपको बताना है, छोर होगा, छीर होगा, छीड़ होगा या खीन होगा। देखिए मैंने खीर का तत्सम याद रखिएगा क्या होता है, छीर होता है, क्या होता है ये याद रखिएगा, खीर का छीर होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए 47 नंबर का क्या है, निम्नलिखित में से गंगा का पारिवाची नहीं है। आपको पूछ रहा गंगा का पारिवाची कौन सा नहीं है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर यह जानते रहिए गंगा का पारिवाची कौन कौन सा होता है। तो देखिए भागीरथी गंगा का पारिवाची है, सर सरिता क्या है गंगा का पारिवाची है, देवनदी किसका है गंगा का पारिवाची है, लेकिन फ्रेंड कालिंदी जो होता है गंगा के पारिवाची नहीं होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला नंबर 48 नंबर का है कि पक्षी का पारिवाची है। तो फ्रेंड देखिए आप खग दिया है, बादल दिया है, पयोद दिया है या जलज दिया है। तो फ्रेंड देखिए पक्षी का जो पारिवाची होता है खग होता है, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर का सवाल देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आपका, देखिए प्रत्येक में कौन सी संधि है, आपको बताना है प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो देखिए फ्रेंड जब भी आपका आधा त रहे, आधा य रहे, आधा व रहे, आधा आधा रहे ना, वहाँ पे जो आपका संधि होता है य संधि होता है, कौन सा संधि होता है फ्रेंड्स य संधि, तो इसको याद रखिएगा। तो प्रत्येक देखिए आधा त है ना, यहाँ पे आधा त है, यहाँ कौन संधि होगा य संधि, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स 50 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है, हस्ती शब्द का पुरुष वचन बताना आपको ना, कि हस्ती जो है उसमें कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। ऑप्शन है मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन या इनमें से या ये सभी। तो फ्रेंड देखिए इसका सही जवाब होगा जो हस्ती में होता है प्रथम पुरुष होता है, एक वचन होता है, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपके हिंदी के ऐसे 50 महत्वपूर्ण पूरे संपूर्ण किताब का, आपका हिंदी के संपूर्ण किताब का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इन प्रश्नों का आप एक दो बार पढ़ के जरूर जाइएगा बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।